मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाने की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसमें नीले कलर की टाटा सफारी MP16C4220 से 69 लाख रुपए मिले हैं। गाड़ी PHE से रिटायर इंद्रमणि प्रसाद की होना बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ब्रजेश भार्गव ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि नीले कलर की टाटा सफारी की गाड़ी में कुछ संदेह वस्तु जा रही है, इसीलिए चेकिंग पॉइंट बनाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें नीले कलर की टाटा सफारी जिसके मालिक इंद्रमणि प्रसाद तिवारी की गाड़ी से 69 लाख की राशि प्राप्त हुई। जब इस राशि के दस्तावेज मांगे गए तो कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं, वह राशि जब्त कर ली गई है। आयकर विभाग को फोन पर सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई आयकर विभाग ही करेगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। जो रीवा से भोपाल जा रही थी MP16C4220, उसमें कितनी रकम प्राप्त हुई? उस टाटा सफारी नीले रंग की में 69 लाख रुपए की राशि एक काले रंग के सूटकेस में मिली। तो जिनकी राशि थी इंद्रमणि प्रसाद तिवारी, उनसे इसके कागजात वगैरह में पूछे तो उनके पास कोई वैध दस्तावेज उस राशि के संबंध में नहीं थे, तो वो राशि अभी पुलिस अभिरक्षा में ली गई है और आयकर विभाग को सूचित किया गया, वो संबंध में अग्रिम जांच करेगी। इसके आगे की जो कार्रवाई है वो आयकर विभाग करेगा? हाँ, इसकी आगे की कार्रवाई आयकर विभाग। तो सर, इसकी सूचना आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि गाड़ी यहाँ से निकल गई है? सूचना पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी कि इस वाहन में कोई संदिग्ध वस्तु है, उस सूचना पर चेकिंग प्रारंभ की गई थी। इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? इस गाड़ी में एक ड्राइवर और इंद्रमणि प्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।